वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड हाँ, ऐसा नहीं चलेगा, दीपक नहीं आएगा तो ऐसा तो नहीं होता। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बिकॉज ये शायद सेकेंड या थर्ड पार्ट है ऑफ द सीरीज एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड जर्मनी। तो एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड जर्मनी, जो कि मनप्रीत ने ये नाम सजेस्ट किया था, एंड वी लाइक दिस नेम सो मच। पता हम लोगों को भी इतने अच्छे नाम जो हैं वो समझ में नहीं आ रहे थे, तो थैंक यू। और चलो आज हम अपनी ही सिटी एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लोर नहीं करी होगी, इवन हमने भी नहीं एक्सप्लोर करी। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound, all the odds were against me. So I picked up the pace, and now लेट्स स्टार्ट दिस सिटी टूर, जो कि मेरी पर्सनली फेवरेट है जर्मनी में, बिकॉज़ मैंने इतनी सुंदर सिटी नहीं देखी थी। और जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने सोचा था वाओ, हम लोग कितनी सुंदर सिटी में रहते हैं। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी यही फील करते हैं, बिकॉज़ दिस सिटी इज़ ब्यूटीफुल। सो लेट्स सी। जो आपको दिख रहा है ये देखो, ये बनाया था, इट्स नॉट नेचुरल, तो इस तरीके से बनाया था। मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड देन अब इसमें फिशेस हैं, एंड ये बहुत ही सुंदर एरिया भी लगता है इसकी वजह से। देखो ऑटम में ये ऐसा हो जाता है, जो कि आपको दिख ही रहा है। प्लस ऐसे भी सिटी के लिए ये बहुत सुंदर है ना दीपक। अब हम आ गए हैं एकदम सेंटर पे, तो अब यहाँ के नज़ारे लो। Anfang dieses Jahres, im März, hatten wir eine Deutschland-Tour geplant. Wir hätten angefangen in Berlin, den ersten Gig haben wir auch gespielt. Dann war तो गाइस दीपक कैसा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। तो हम लोग बहुत बार यहाँ पर वॉक करने आते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर वॉक करके बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी बार इधर उधर बैठ जाते हैं, जैसे वो पीछे जो दिख रही है वो हमारी फेवरेट जगह है, वहाँ शांति में बैठते हैं। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है। अपनी जगह दिखा रहे थे, तुम ये बताओ इस जगह की, इस सिटी की सबसे सुंदर जगह तुम्हें क्या लगती है? सबसे सुंदर जगह ये था मुझे ये एरिया। एक्चुअली मुझे भी ये एरिया लगता है, बहुत बड़ा गार्डन है ये। शायद ड्रोन शॉट में दिखेगा ही ऑब्वियसली। पूरा का पूरा गार्डन, साथ में छोटी सी रिवर बनाई हुई है, जो इन्होंने खुद ही बनाई है, नेचुरल नहीं है। और बहुत अच्छा एकदम कलरफुल एरिया है। पीछे रेलवे स्टेशन है, अच्छी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं आसपास, बहुत बढ़िया है, मज़ा आता है। अब हम लोग जाएंगे ट्रेन स्टेशन की तरफ। स्टेशन डीबी, और यहाँ हम पहले बहुत आते थे और अब बिल्कुल नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते अब? क्योंकि अब हमने गाड़ी ले ली, तो मोस्टली हम गाड़ी से जाते हैं। पहले हम कहीं भी जाते थे तो हम पहले यहाँ आते थे और फिर ही जाते थे। ट्रेन कनेक्टिविटी कैसी है सुरभि? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, मतलब उसका कोई वो ही नहीं है मुकाबला, क्योंकि हम लोग कहीं भी पहुँच जाते थे ट्रेन से, या ट्रेन से फिर बस चेंज करके और जो भी। दीपक आप कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के दूसरी साइड, उधर जहाँ से आपको ऑटम के एक्चुअल कलर दिखेंगे। आप देखो मेरे पीछे जंगल। एंड यहाँ से ट्रैकिंग एरिया के लिए जाते। ट्रैकिंग करने जा रहे हो? थोड़ा सा ऊपर से व्यू लेने। ओके। अभी ऊपर पहुंच गए हैं, ये नज़ारे दिख ही रहे होंगे। इट्स सो ऑसम। सो तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। हम लोग बहुत हाइट पे आ गए हैं और बैठे हुए हैं यहाँ पर और मस्त टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा वो तो ज़रूर कमेंट करना, लेकिन आज इतना अच्छा वेदर है ना, सर्दी हल्की हल्की सर्दी धूप खिली हुई है, मज़ा आ रहा है सच में, बहुत गजब मज़ा आ रहा है। मुझे तो बाहर घूमने में मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। और आप लोगों को भी हम जो ऐसे मज़े ले रहे हैं, अगर आपको भी मज़ा आ रहा है, कुछ भी आपको कमेंट करने का मन करे तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, लाइक करना मत भूलना, बिकॉज ये हमें मोटिवेशन देगा। शेयर करना ताकि जो चैनल है वो और ग्रो करेगा, और आप सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन। और अगर कुछ आपको स्पेसिफिक देखना है जर्मनी में तो प्लीज़ कमेंट करना, हमें भी आइडियाज़ मिलेंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो see you next time, exploring the unexplored. I was knocked down, heard the countdown through the haze, in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own.